तीन के बारे में जिसमें अपन पढ़ चुके थे, थोड़ा सा आगे अपन पढ़ेंगे आप इसमें रेशम के बारे में। देखो इसमें पढ़ते हैं रेशम, रेशम क्या होता है, रेशम इसे क्या बोलते हैं अपन, सिल्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, सिल्क के रेशे भी जानवर वैसे होते हैं, क्योंकि जो रेशम कीट होता है वो भी एक प्रकार का जंतु जीव है, इसलिए उनको अपन क्या कहते हैं, जांतव रेशे। रेशम के कीट, रेशम कीट के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना, रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम के, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना क्या कहलाता है, रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखो अपन पढ़ेंगे अब रेशम कीट का जीवन चक्र, रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है। देखो मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कैटरपिलर इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा या पोषित कहलाता है। क्या कि जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता तो यह क्या कहलाता है, प्यूपा या पोषित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, यह जाल उसे अपने स्थान पर बने रहने में सहायता करता है, उसे अपने स्थान पर बने रहने में सहायता करता है, अपने आसपास क्या हो जाल बुन लेता है जिससे वो उस स्थान पर स्थित रहता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है, और यह क्या करता है, अपने सिर को अंग्रेजी अपन के जो अक्षर 8 रहता है इस प्रकार से एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है, इस प्रकार से बनाता है। ठीक है, सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, एक पदार्थ निकालता है, मतलब जो कठोर होकर या सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। ये कठोर पदार्थ क्या है, रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है, और जल्दी क्या है, रेशम के रेशों से खुद को ढक लेता है, और यह प्यूपा बन जाता है। क्या बन जाता है, प्यूपा बन जाता है, और यह आवरण कोकून कहलाता है, और यही आवरण क्या है, कोकून कहलाता है, जो इस प्रकार का यह आवरण बन जाता है यही आवरण क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है, कीट का इसके आगे का विकास कोकून के अंदर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बनाने में किया जाता है, रेशम के रेशों का उपयोग किसमें उपयोग किया जाता है, रेशम के वस्त्र बनाने में। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता चिकनाहट चमक आदि से भिन्न होता है। अतः तसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम, विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। अब ये देखो इसमें टसर रेशम, मूंगा रेशम, ये क्या अपन के रेशम के किस्म के प्रकार है। ठीक है ना, सबसे सामान्य रेशम कीट सहतूत रेशम कीट है, सबसे सामान्य रेशम कीट कौन सा है, सहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकूनों से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर, रेशम फाइबर कैसा होता है, मृदु चमकदार और लचीला होता है, और इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। ठीक है, अगला अपन पढ़ेंगे कोकून से रेशम तक, किस प्रकार से कोकून से अपन रेशम का निर्माण करते हैं, तो इसमें देखेंगे
देखेंगे अपन, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनसे कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर मतलब रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है ना, फाइबर मतलब क्या होता है, धागे, फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। अगला देखेंगे अपन रेशम कीट पालन के, रेशम कीटों को कैसे पाला जाता है। इसमें देखेंगे अपन मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है, अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टी और कागज पर संग्रहित करके मतलब इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक या किसान अंडों को स्वास्थ्य स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता के अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आते हैं। और यह कब किया जाता है, जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती है। और यह प्रक्रिया अपन कब करते हैं, जब शहतूत के वृक्षों में नई पत्तियां आती है उन्हें दिन रात खाते रहते हैं। और ये क्या करते हैं, उन्हें दिन रात खाते रहते हैं। कौन से, रेशम कीट शहतूत की पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं और मतलब साइज में काफी बड़े हो जाते हैं, लार्वा शहतूत की ताजी हटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ जगह में रखा जाता है और 20 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं। और इनको खाना क्या है, वो बंद कर देते हैं 20 से 30 दिनों के बाद खाना बंद कर देंगे। बंद करने के बाद और कोकून बनाने के लिए बांस से बने छोटे छोटे पक्षों में चले जाते हैं। और क्या करते हैं, कोकूनों का निर्माण करने के लिए बांस से बने छोटे छोटे पक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रेक या टहनिया रख दी जाती है, रेक या मतलब टहनिया रख दी जाती है जिनसे क्या होता है, कोकून उनसे जुड़ जाते हैं, जिनसे टहनियों से जुड़ जाते हैं और इन कोकूनों के भीतर प्यूपा विकसित होता है, मतलब नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, आया समझ में। अगला है रेशम की रीलिंग। रेशम की रीलिंग क्या होती है, देखो रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेशम की रीलिंग। क्या कहलाती है, रेशम की रीलिंग। एक बार दोबारा देख लो, रेशम की रीलिंग किसे कहते हैं, रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेशम की रीलिंग। ठीक है बच्चों, अपना यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।